सच साहस सरोकार। लखनऊ हाईकोर्ट ने सोमवार को अपने आदेश में 69,000 सहायक शिक्षा भर्ती मौजूदा लिस्ट को कल गलत बताया। साथ ही हाईकोर्ट का ये फैसला योगी सरकार के लिए बड़ा झटका है। वहीं दूसरी तरफ जो बीआरटी ने आदेश सुनते ही आक्रोश दिखाई दे रहे हैं, साथ ही आज उन्होंने शिक्षा मंत्री के आवास पे धरना प्रदर्शन किया। तो आइए जानते हैं शिक्षकों से कि आखिर वो क्या अपना कदम उठाएंगे और इस आदेश से वो क्या सोच रहे हैं और क्या कहना चाह रहे हैं। मैम, ये आदेश आया है कोर्ट की तरफ से कि अब फिर से उसको आरक्षण के रिव्यू किया जाए, आरक्षण में बहुत ज़्यादा गड़बड़ी हुई है, तो क्या कहना चाहेंगी आप? देखिए, मेरे कहने का मतलब ये है, जब आपका पिछड़ा वर्ग आयोग जो बीजेपी मतलब कोई सी भी सरकार हो उसका ही बनाया हुआ होता है, अलग से नहीं आता है, जब आपके आयोग ने ये सिद्ध कर दिया था कि आपने घोटाला किया है आरक्षण का, और आपने भी माना कि हमसे कहीं ना कहीं विसंगति हुई, क्योंकि इतने बड़े घोटाले को आपने एक नाम क्या दे दिया, बड़ा अच्छा सा विसंगति, चलिए मानते हैं विसंगति हुई, फिर आपने उस लिस्ट को निकाला 6,800 की, और आज आपने ही मतलब आप हमें नौकरी नहीं देना चाहते, क्यों? क्योंकि हम दलित और पिछड़े हैं। अगर आप नौकरी देना चाहते तो इतने समय से ये लिस्ट पेंडिंग में नहीं होती, आज 14-15 महीने के बाद वही लिस्ट आप खुद नहीं, जब जो ये बीजेपी सरकार है जिसने खुद ने वो रद्द नहीं कर पाई तो वो कहाँ से करवा दी, कोर्ट से। आप खुद सोच के देखिए, जब आप मानते हो, आपके अधिकारी मानते हैं, आपका जितने भी विभाग हैं वो मानते हैं, मानने के बाद फिर वही लिस्ट कैसे रिविजिट होगी, कितनी बार आप रिविजिट करवाएंगे उसको? उसके बाद भी आप जो डबल बेंच है, सुप्रीम कोर्ट है, उसके जो नियम है उन सब पे मतलब आपकी जो सिंगल बेंच है उसने सबको नकार दिया। तो आपको क्या मतलब, आपको ये सही है कि दोबारा आरक्षण रिव्यू होना चाहिए? देखिए, हम चाहते हैं कि रिव्यू हो, लेकिन जो सही नियमावली है उसके तहत हो ना जी। आप गलत क्यों लगा रहे हो? आप बताइए, आप हमें ओवरलैप करने से रोक रहे हैं कि जिन लोगों ने ओवरलैप किया है उन्हें हम सिर्फ 50, ये कोई नियम नहीं ना, 50% में आरक्षण लगता है, और 50% जो अभ्यर्थी जाते हैं वो बिना आरक्षण के जाते हैं, वो किसी भी वर्ग से जा सकते हैं। उसमें अब सरकार का मानना ये 50% में सिर्फ हम जनरल को ही लेंगे, OBC SC जितने भी हैं वो सिर्फ 50% में समिट के रह जाएंगे, ऐसा कैसे होगा? ये तो हमारा हक मारना हो गया ना। आप चाहते हो कि आरक्षण सूची फिर से रिव्यू हो और आपका उसमें नाम ना आए, तो आप इस पे आगे क्या कदम उठा सकते हैं? देखिए, हम लोग यहाँ लखनऊ में अगर पड़े हैं, हम शिक्षा मंत्री जी के यहाँ पर थे, तो हमें वहाँ के प्रशासन ने रोका और हमें शिक्षा मंत्री जी से नहीं मिलने दिया गया, कह दिया गया कि वो नहीं है, जबकि वो थे और उन्हें पीछे के गेट से निकाल दिया गया। हम यहीं रहेंगे, आज हमारी स्थिति वो है, हमारे साथ के 2-3 साथी आत्महत्या कर चुके हैं, हम लोग अपने घर पर आत्महत्या नहीं करेंगे, हम लखनऊ में मरेंगे, वो योगी मुख्यमंत्री जी के आवास पर मरेंगे या फिर हम शिक्षा मंत्री के आवास पर, जहाँ भी होगा अपनी जान दे देंगे, लेकिन हम घर नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे, क्योंकि अब हमारे लिए मरने के अलावा बचा क्या है? हम लोगों के ताने सुन सुन के इतने परेशान हो गए, हमारी मानसिक स्थिति इतनी खराब हो गई, हम तैयारी नहीं कर सकते इस एज पे, छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के हम 400-500 किलोमीटर से यहाँ पड़े हुए, क्यों पड़े हैं? हमें शौक नहीं है घर छोड़ने का। क्या कारण हो सकता है मैम, ये जो आरक्षण सूची में जो गड़बड़ी हुई है, क्या कारण हो सकती है योगी सरकार की तरफ? देखिए, सरकार सिर्फ ये जनरल की सरकार है और जनरल को ही चाहती है, SC OBC को नहीं चाहती है, और इसीलिए इन्होंने ये सब किया है। ये OBC और SC को जो पहले के जमे में ये कहते हैं ना राम राज चलता था, तो शूद्रों को पढ़ने लिखने का किसी का, तो ये 85% सब शूद्र है, OBC SC ST सब सूत्रों में ही आते हैं, तो इन्होंने सिर्फ और सिर्फ उसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को हक मारा है। नहीं तो अगर ये सही संविधान के तहत ये सरकार अगर काम करती तो हमारा हक नहीं मारा जाता, हमें हमारा हक जरूर मिलता। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो यहाँ पे शिक्षक है वो अपनी जो तमाम जो परेशानियाँ हैं बता रही हैं, और उनका यही कहना है कि योगी सरकार जो गड़बड़ी की है वो देख सकते हैं कि हम किस प्रकार से अपनी ज़िंदगी झेल रहे हैं, और कहीं ना कहीं सरकार की इसमें गड़बड़ी है वो हमें नीच जात के देख कर ये सब हुआ है। तो आइए, और भी लोग हैं जो उनसे हम बात करते, जो शिक्षक है उनसे बात करते हैं कि आखिर उनका क्या कहना है और वो इस पर आगे और क्या कदम उठा सकते हैं। मैम, कुछ कह सकती हैं इस पे जो आरक्षण सूची आई है, क्या आप चाहती हैं कि दोबारा आरक्षण सूची हो, उस पे रिव्यू दोबारा हो? जी, हम यही चाहते हैं कि हम लोगों को न्याय दे योगी जी। क्या कारण हो सकता है कि ये आरक्षण सूची में गड़बड़ी हुई है, क्या बता सकती हैं? हाँ, हम लोगों की ओवरलैपिंग नहीं कराई गई है, आरक्षण सूची जो घोटाला हुआ था, सरकार ने हम लोगों को 6,800 सूची दी 5 जनवरी 2022 को, और साल भर हो गया, 1.5 साल हो गया आने को, हम लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। अगर मान लीजिए कि आरक्षण सूची फिर से रिव्यू होता है तो आगे क्या कदम उठा, अगर उसमें आपका नाम नहीं आता है तो आगे क्या आप कदम उठा सकते? हम लोग अब यहाँ से जाएंगे नहीं, अब जब तक हम लोगों को न्याय नहीं मिलेगा, 6,800 लिस्ट को ज्वाइनिंग नहीं देंगे, तब तक हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं।
जी। तो आप देख सकते हैं, आपको बता दिए पूरा मामला जो है, ये ओम प्रकाश शुक्ला जो है उन्होंने 177 याचिकाओं को खारिज करते हुए ये आदेश सुनाया था कि जो आरक्षण में जो गड़बड़ी हुआ है उसे फिर से रिव्यू कराया जाए और इस बार जो आरक्षण सूची आया उसमें 50% से अधिक आरक्षण ना हो, तो ऐसे तमाम इसमें परेशानियाँ हैं। आइए यहाँ के जो तमाम शिक्षक हैं उनसे बात करते हैं कि वो आखिर इस पर क्या करना चाहते हैं और अगर उनका आरक्षण सूची में नाम नहीं आता है तो आगे क्या फैसला ले सकते हैं। सर कुछ बताएंगे, जो आरक्षण सूची आई है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या आप अगर मान लीजिए फिर से रिव्यू होता है उसमें आप लोग का नाम नहीं आता है तो क्या अगला कदम क्या उठाएंगे? हमारी सरकार से पहली मांग ये है कि जो कल का हाई कोर्ट का फैसला आया है उसको सरकार वो मतलब वो उस पर आत्ममंथन करे और जो 6800 चयन सूची है उसको बचाए, वो दलित पिछड़ों की सूची है उसको बचाए और उस 69,000 शिक्षक भर्ती में एक साल पहले माननीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा 6800 चयन सूची जारी कर दी गई थी और ये जो भ्रष्ट अधिकारी हैं योगी सरकार के, इन्हीं के द्वारा एक साल तक इस लिस्ट को घुमाया गया और तो माननीय हाई कोर्ट के माध्यम से इसे रद्द करवा दिया गया। और दूसरा मैटर इसमें ओवरलैपिंग का है, ये चाहती है सरकार कि जो OBC SC लोग हैं, आपका ये कहना है कि जो हाई कोर्ट का आदेश आया है कहीं ना कहीं योगी सरकार का इसमें हाथ, ये चाहते थे कि ये आदेश रद्द हो। ये जो योगी सरकार है जो उनके अधिकारी भ्रष्ट हैं, कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री तो हमारे साथ थे लेकिन जो उनके अधिकारी हैं वो दलित पिछड़ों विरोधी हैं और वो जो हमारी लिस्ट थी उसको क्वैश करा दिए और हमारी यही मांग है कि हमारी लिस्ट को वो फिर बाहर करें और जो डबल बेंच है उसमें दमदारी से अपनी अपना आवाज़ रखें और हमें न्याय दें क्योंकि पिछले एक वर्ष से हम जो 68 सूची है उसमें नियुक्ति की मांग कर रहे थे और पिछले दो वर्ष से जो 69,000 शिक्षक भर्ती महाघोटाला है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने अप्रैल 2021 में रिपोर्ट दी थी कि पिछड़ा वर्ग जो है और अनुसूचित जाति है इसमें महाघोटाला हुआ है, उसके उसके तत्पर जो सरकार है राज्य सरकार चुनाव को देखते हुए 5 जनवरी 2022 को 68 की सूची जारी की थी जिसपे हमें नियुक्ति मिलने वाली थी लेकिन जो इनके भ्रष्ट अधिकारी हैं वो एक साल तक घुमाते रहे, अंत में इसको लिस्ट को रद्द करवा दिया। क्या लगता है इस पे जातीय जनगणना होना चाहिए क्योंकि अखिलेश यादव जी बोल रहे हैं कि इस पे जातीय जनगणना होना चाहिए क्योंकि ये कहीं ना कहीं भाजपा सरकार की इस पे उनका ये एजेंडा था ये पूरी तरह से, तो क्या आपको ये चाहिए कि ये जो जातीय जनगणना हो इस पे? नहीं, जाति जनगणना तो होनी ही चाहिए, जिस माध्यम से आज पता चल रहा है कि आरक्षण की होने की वजह से हमें पूरा हक नहीं मिल पा रहा है तो उससे और भी क्लियर हो जाए कि जब जाति जनगणना हो जाएगी तो हमें पूरा हक पता चल जाएगा हमारे लोग कितने हैं, उस हिसाब से हमें हक मिलेगा। लेकिन जिस हिसाब से भाजपा सरकार जो कह दम भरती है कि हम दलित पिछड़ा के साथ हैं, जिस हिसाब से पूरे प्रदेश में राम नौमी में रामायण का पाठ कराया जाता है, मैं तो यही मांग करता हूँ कि पूरे मंदिरों में ये पाठ हो कि 6800 को न्याय मिले। भाई ये क्यों नहीं पाठ हो रहा है कि 6800 दलित पिछड़ों को जो शिक्षक भर्ती में न्याय, उसको न्याय मिले फिर न्याय मिले। और जो भाजपा जो बार बार कहती है कि हम दलित पिछड़ों के संघ हैं, क्या संघ है? अनुप्रिया पटेल जी, माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी और स्वतंत्र देव जी और हमारे जो हमारे समाज के आते हैं शिक्षा मंत्री जी, जिनके आवास पर अभी हम लोग एक घंटे पहले धरना किए थे जिसपे हमारे कुछ भाई चोटिल भी हो गए हैं और कुछ अस्पताल में भी गए हैं लेकिन उसको कोई सुनवाई नहीं हो रही है। शिक्षा मंत्री वहीं चोर दरवाजे से पीछे चले जा रहे हैं, एक शब्द नहीं बोल रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। हमारे इस भाजपा सरकार में दलित पिछड़ी जो विरोधी सरकार है वो हमारा हक मार रही है। तो हमारी क्या लग रहा है कि योगी सरकार जो आदेश आया है उस पर आपके पक्ष में आ सकता है, वो कहीं ना कहीं आप लोग के साथ न्याय करेंगे? नहीं, हमारी मुख्यमंत्री से यही मांग है कि जो क्या कहते हैं जो कल का न्याय आया है उस पर अपने अधिकारियों से कह के उचित पैरवी करा के डबल बेंच में और हमें न्याय दिलवाएं। जब माननीय योगी आदित्यनाथ ने उस ये माना कि आरक्षण में महाघोटाला हुआ है और 6800 की चयन सूची जारी हुई है तो अब उसमें कुछ अब बचा ही नहीं रह गया है। माननीय योगी आदित्यनाथ का जो आदेश हो इस भ्रष्ट अधिकारियों ने उसको दरकिनार कर दिया, उसको कुछ मान ही नहीं रहे हैं। भाई हमारी मुख्यमंत्री से यही मांग है कि इन अधिकारियों से कड़ी कड़ी सजा दे और दलित पिछड़ों को न्याय दे और नियुक्ति दे। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो शिक्षक है वो अपनी बातें को साफ तौर पे बता रहे हैं, उनका यही कहना है कि अभी हमने शिक्षा मंत्री आवास गए थे लेकिन वहाँ से जो शिक्षा मंत्री हैं वो पीछे वाले रास्ते से निकल गए और हमसे ना मिले और झूठे हमसे कहा गया कि शिक्षा मंत्री जो है अभी मौजूद नहीं है। और इस आपको बता दें कि कल से यह आदेश आया है लेकिन इस पर अभी योगी सरकार के या उनके अधिकारियों के शिक्षा मंत्री का भी कोई बयान नहीं है। साफ तौर पर उनका कहना है कि अभी हम इस आदेश को देख रहे हैं, इस पर जाँच कर रहे हैं और जो भी होगा
अगला कदम होगा हम खुद बताएंगे। लेकिन जो यहाँ के जो शिक्षक हैं वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि इस पे अभी बता दें आपको जो कि अभी अखिलेश यादव कहना है कि इस पे जातीय जनगणना होना चाहिए, तो यहाँ जो शिक्षक उनका भी मांग है कि जातीय जनगणना हो। और उन्होंने ये भी कह रहे हैं अगर जातीय जनगणना हो तो साफ तौर पर हमें पता चल जाएगा, क्योंकि जो भाजपा सरकार जो दावा करती है कि हम पिछड़े और जो जाति हैं उन पर हम साथ हैं, लेकिन ये देख कर लग रहा है कि भाजपा अपने बात से मुखर रही है और कहीं ना कहीं हमें ये न्याय नहीं मिल रहा है। तो हम यही कहेंगे कि 68,000 शिक्षकों के लिए पाठ हो और इस पे न्याय हो और इस पे हम पूरी तरह से लड़ाई लड़ेंगे जब तक हमें न्याय ना मिले। तो और आइए इस पे जो शिक्षक हैं उनसे बात करते हैं कि आखिर उनका क्या कहना है। सर बताइए, जो अभी आदेश आया है क्या कहना है आपको, क्या लगता है आपको कि योगी सरकार से न्याय मिलेगा? जी, हम ये चाहते हैं कि योगी सरकार हम लोगों के जो 6800 के जो लिस्ट का कल आदेश आया है, योगी सरकार जो है डबल बेंच पे अच्छे से पैरवी करे और हम लोगों को न्याय दिलाए। तो सर ये आरक्षण सूची में जो गड़बड़ी हुआ है आखिर कारण क्या हो सकता है इसका? ये जो भी गलतियां हुई हैं ये योगी सरकार के द्वारा जो नियुक्त अधिकारी लोग हैं इन लोगों की लचर पैरवी के कारण ये गलतियाँ हुई हैं। अगर वो लोग सही से पैरवी करते तो हम लोगों के फेवर में आ जाता। तो अभी जो आदेश आया है कोर्ट का उसमें कहा है कि जो शिक्षक 2 साल से काम कर रहे हैं उनको ना हटाया जाए, उनमें कोई दोषी नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि जो सरकार जो आपको आदेश दिया है जो हाई कोर्ट वो सही है? नहीं, ये आदेश जो है हाई कोर्ट ने जो दिया है वो पूरा का पूरा जनरल के फेवर में ऑर्डर दिया है। अच्छा। ये इन्होंने मतलब कि हम लोगों के 6800 की जो लिस्ट निकाली है उसको तो रद्द करते हुए यहाँ तक कि जो 69,000 में चयनित ओबीसी हैं उनके ऊपर भी गाज गिर सकती है। लगभग 4 से 5 हज़ार ओबीसी वो भी जो शिक्षक पद पर तैनात हैं वो भी बाहर हो सकते हैं, चूँकि इन्होंने जो उसमें ओवरलैपिंग वाला जो मुद्दा है कि ओवरलैप नहीं करेंगे, ओबीसी जो अपने मेरिटेरियस कैंडिडेट होते हैं जो अपने गुणांग के दम पर जनरल कैटेगरी में फाइट करते हैं उनको ओवरलैप ना करके उनको कैटेगरी में ही डालने के लिए उन्होंने कोर्ट ने आदेश दे दिया है, जिससे वो बच्चे तो प्रभावित होंगे साथ में हम लोग की लिस्ट भी क्रॉस हो गई है। तो सर क्या आपको लगता है कि जो आरक्षण सूची का जो आदेश आया है फिर से रिव्यू करने की, ये सही है और होनी चाहिए? जी नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये पहले हम लोगों का 27% ओबीसी का, 21% एससी का आरक्षण पूरा कंप्लीट होना चाहिए और हम लोगों की जो सरकार ने पूरा विजिट किया है रिविजिट करके ही 6800 की लिस्ट आई है। सरकार को चाहिए कि हम लोगों के 6800 की ज्वाइनिंग कराए और हम लोगों की नियुक्ति करें। तो आपको मतलब आरक्षण सूची का रिव्यू नहीं सही लग रहा है, आप चाह रहे हैं कि अभी ही हमको ज्वाइनिंग कराए? ये पूरी तरह से जो आदेश है हाईकोर्ट का वो पूरी तरह से गलत है। जी, ये जो आदेश आया है हाईकोर्ट का, सरकार ने हम लोगों का पहले ही 6800 के जो लिस्ट आई है ये रिविजिट करके ही 6800 की लिस्ट आई है, ये नहीं कि उन्होंने रिविजिट नहीं किया है। अब ये गवर्नमेंट ये सरकार का जो ये आदेश आया है 6800 का ये हम लोगों के फेवर में ही है। अब जो है हम ये चाहते हैं कि सरकार कोर्ट ने जो आदेश दिया है ये आदेश के खिलाफ सरकार रिव्यू पिटिशन में जाए, डबल बेंच में जाए और हम लोगों के पक्ष में ऑर्डर कराए। सर विपक्ष जो है वो साफ तौर पर कह रही है कि कहीं ना कहीं भाजपा सरकार का एजेंडा है ये और वो जो जातीय हैं जो पिछड़े वर्ग के हैं उनके साथ नहीं है और इसीलिए ये पूरी तरह से ये रच रही है अपनी, लेकिन इस पर जातीय जनगणना होना चाहिए। क्या आपको लगता है जातीय जनगणना होना इस पर आवश्यक है? बिल्कुल, जातीय जनगणना आज होती तो हम लोगों को जैसे हमारा 85% संख्या है तो हमको उस 85% के हिसाब से हम लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए। आज हम लोगों की सरकार ये कहना चाह रही है कि हम लोगों को 27% आरक्षण पे ही हम लोग को ही उसमें डालना चाहती है, बल्कि जनरल के लिए 50% आरक्षण है, 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण को अलग से दे दिया गया और हम लोगों को वही 27% में ही हम लोगों को उसी में सिमटना चाह रही है कि ये लोग 27% में ही सिमट के रह जाए। अभी आप लोग गए थे शिक्षा मंत्री आवास, क्या हुआ वहाँ पे, क्या मामला था कुछ आपने? शिक्षा मंत्री आवास में हम लोग गए, हम लोग वहाँ धरना दे रहे थे। हाँ, कम से कम संख्या हम लोगों की 1500 संख्या थी वहाँ पे, लेकिन क्या किया शिक्षा मित्र निकले गाड़ी से अपने चले गए, किसी से कोई मुलाकात नहीं की है। बताइए हम कहाँ जाए, वो हमारे वर्ग के शिक्षा मंत्री हैं, हम लोग उनके पास नहीं जाएंगे किसके पास जाएंगे, लेकिन वो हम लोगों की दर्द नहीं सुन रहे, हम लोग को लखनऊ की सड़कों पर ऐसे धक्के खाने के लिए छोड़ दिए हैं। तो सर अगर आ सकता है आरक्षण सूची फिर से रिव्यू है उसमें आप लोग का लिस्ट नहीं आता है तो क्या आगे आप कदम उठाएंगे? हम सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि सरकार अब ये जो सूची है इस पर रिविजिट ना करके डबल मिल जाए, इस आदेश के खिलाफ जाके हम लोगों के पक्ष में पैरवी कराए। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से यहाँ पे जो शिक्षक उनका साफ तौर पे कहना है कि ये आरक्षण सूची जो रिव्यू फिर से ना हो और ये डबल बेंच जाए और हमारे लिए इस पे लड़ाई करे और वो जो हमें न्याय दिलाए, उनका साफ तौर पे यही कहना है कि जो भाजपा अपना दावा करती है कि हम पिछड़ों के साथ है तो उसका हमें दिखाए और हमें न्याय दिलाए। और उनका यही कहना है कि अभी हम शिक्षा मंत्री गए थे वहाँ उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया मिलने के लिए और ना अभी कोई सरकार के इस पर आदेश आया है। तो तमाम यहाँ पर जो शिक्षक हैं वो अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो आइए और भी जो शिक्षक के उनसे हम बात करते हैं। सर ये जो आदेश आया है हाई कोर्ट का कि इस पे फिर से आरक्षण का रिव्यू हो, क्योंकि जो पहले आरक्षण हुआ था उसमें बहुत ज्यादा गड़बड़ी हुई है, तो इसके लेके सरकार अब क्या करना चाहेगी, क्या कदम उठाएगी और आप लोग क्या करना चाह रहे हैं? देखिए मैम, साथ में मैं आपको बताता हूँ कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी के आदेश पर हमारी 6800
आंसरों की लिस्ट आई थी जो कि आरक्षण घोटाले से निकल के आई थी शिक्षकों की, तो वो लगभग एक साल हमारी ये आंसरों की लिस्ट कोर्ट में चली गई भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से। हम लोग एक से डेढ़ साल कोर्ट में लड़े और 13 तारीख को हमारा आदेश आता है और उस आदेश में ये आता है कि आंसरों की लिस्ट क्वेश्चन हो जाती है, मतलब हम लोग बिल्कुल बाहर हो जाते हैं। इसके बाद पूरी लिस्ट को फिर से रिविजिट, पूरे 69,000 की भर्ती को फिर से रिविजिट करने के लिए आदेश आता है। यहाँ तक तो कुछ हद तक ठीक है मैम, लेकिन जो सबसे बड़ी हमारे लिए गड़बड़ चीज़ उसमें है, उसमें ये है कि जो हमारा ओबीसी एससी का बंदा अगर जनरल के बराबर नंबर पा करके जनरल की सीट पर जाता है, इसको ओवरलैपिंग हम कहते हैं, तो ये लोग ये कर रहे हैं कि जो आदेश आया है उसमें ये कह रहे हैं कि ओबीसी एससी का बंदा चाहे जितना भी नंबर पास आएगा लेकिन वो जनरल की सीट पर ओवरलैप नहीं करेगा। तो हमारी लिस्ट तो वहाँ से गायब हो गई इसके, लेकिन इससे हमारा नुकसान तो ये होगा कि हम तो बाहर हो गए लेकिन हमारे ओबीसी एससी के जो लड़के ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं जो लोअर रैंक पर हैं वो भी बाहर हो जाएंगे, वो बाहर हो जाएंगे। ये 8 से 10 हज़ार जो आंकड़ा निकल के आ रहा है हम लोगों का, 8 से 10 हज़ार ओबीसी एससी के लड़के जो ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं वो बाहर होंगे और उनकी जगह पर जो जनरल के 8 से 10 हज़ार लोग होंगे वो नौकरी करेंगे फिर से दोबारा, जो बाहर वाले हैं। हम तो बाहर हो गए, हमारे 8 से 10 हज़ार नौकरी करने वाले ओबीसी एससी के लोग और भी बाहर होंगे। तो मैं ये सरकार से मांग करता हूँ, विभाग से मांग करता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का से ये मांग करता हूँ कि आखिरकार जो हमारी जो आपने जो 800 की लिस्ट हमारे लिए निकाली थी कि इन शिक्षकों को नियुक्ति दे दी जाए, इनको टीचर बना दिया जाए, आखिरकार अब आपके वादे का क्या हुआ? फिर से हमको तो बाहर कर दिए, हमको अंदर करने की बात छोड़िए, हमारे 10,000 लोग और बाहर होंगे, ओबीसी एससी के और लोग बाहर होंगे। क्या माननीय योगीनाथ जी आपकी इतनी अब हैसियत नहीं है कि आपके आदेश को हमारे अधिकारी नहीं मान रहे हैं? और दूसरी सबसे बड़ी बात मैम कि जो ये ओवरलैपिंग हमारी सिंगल बेंच के द्वारा रोकी गई जो 13 वाले आदेश में, इसमें सबसे बड़ी ट्विस्ट ये है कि ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का और माननीय डबल बेंच का से ये आदेश, ये हमारा पूरा सिस्टम कवर था कि इनकी ओवरलैपिंग होनी चाहिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट बोलती है और माननीय डबल बेंच ये बोलती है कि इसी भर्ती में इनके जो जनरल ओबीसी एससी के लोग अगर जनरल के बराबर नंबर पाते हैं तो वो जनरल की सीट पर जाएंगे और इस खाली हुई सीट पर हमारे ओबीसी एससी के लोग और आएंगे, इट इज़ नोन एज ओवरलैपिंग। इस ओवरलैपिंग को डबल बेंच और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को सिंगल बेंच ने क्वेश्चन कर दिया, ये पूरे देश का इतिहास है। विपक्ष कह रही है कि जातीय जनगणना इस पे होना चाहिए, कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार का एजेंडा है और ये जो दावा करती है कि विपक्ष जो हम जो नीचे जाते हैं उनके साथ रहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या आपको लगता है जातीय जनगणना होना चाहिए? बिल्कुल जातीय जनगणना होनी चाहिए। हमारी ओबीसी एससी एसटी की जो जनसंख्या है देश में 85% की जनसंख्या है, अगर 85% की जनसंख्या की जनगणना नहीं होगी तो पता नहीं चलेगा कि सच में 85% है कि नहीं है, और जब पता नहीं चलेगा तो इनके हिस्सेदारी इनकी कैसे मिल सकती है? तो 27-28% ही बिल्कुल 27-28% का ही लफड़ा है, मतलब 27-28% ही हमको नहीं मिल पा रहा है। हमारे 85% आबादी को जनसंख्या के हिसाब से हमको हिस्सा कैसे मिल सकता है? इस लिहाज से जनगणना, जाति जनगणना बिल्कुल निश्चित है, होनी चाहिए और ये माननीय मंत्री माननीय योगी जी को भी कराना चाहिए। लेकिन ये कह रहे हमारे मुद्दे से जुड़ी बात नहीं है, हमारी मांग ये है कि जो हमारी लिस्ट 800 की क्वेश्चन हुई है जो माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर आई थी, हम लोग शिक्षक बनने जा रहे थे, ये क्वेश्चन क्यों हुई है? ये सरकार विभाग इसको इसी बेंच में जा करके इसको मॉडिफाई करा ले, अगर मॉडिफाई नहीं यहाँ से हो पाता है तो डबल बेंच में जा करके इसको ठीक करा ले, अगर नहीं ठीक हुआ तो हम लोग इच्छा मृत्यु की मांग करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर हमारे दो भाई, एक भाई कन्नौज का परसों आत्महत्या कर लिया, एक भाई आजमगढ़ का कल आत्महत्या किया है, और मुझे लगता है कि जो लोगों की मानसिक स्थिति इस समय है, कम से कम 50 ऐसे शिक्षक यहाँ पर हैं जो कल से परसों तक आत्महत्या कर सकते हैं, ये मैं दावे के साथ बोलता हूँ। क्या कारण हो सकता है कि शुरू से ही ये जो सहायक शिक्षा भर्ती है वो पूरा आप एजेंडा बनता गया, ये हमेशा कोर्ट के तरफ रुख बढ़ता गया, इस पे हंगामे होते गया और इस पे अभी तक योगी सरकार की कोई अभी बयान नहीं है, ना शिक्षा मंत्री आपसे मिलना चाह रहे हैं, तो सर क्या कारण हो सकता है? मैडम ये बिल्कुल लाजमी है कि ये 69,000 शिक्षक भर्ती पूरे देश का इतिहास है, पूरे देश का महा घोटाला है, इससे बड़ा घोटाला आज तक पूरे देश में कभी नहीं हुआ। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट पर ये माननीय योगी जी के आदेश पर ये लिस्ट आई थी। माननीय योगी, मैं ये कहना चाहता हूँ डंके की चोट पर कि हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी का दोष इसमें नहीं है, उन्होंने तो बिल्कुल आदेशित कर दिया था हमारे विभाग को, हमारे शिक्षा अधिकारियों को, लेकिन शिक्षा अधिकारी उनको बरगला रहे हैं, उनको कन्विंस कर रहे हैं और योगी जी माननीय योगी जी हो सकता है इस बात को ना समझ पा रहे हो, ये हमारा ऐसा मानना है। दूसरा
आपका ये मानना है कि योगी सरकार की इसमें कोई गलती नहीं, उनके अधिकारी जो सरकार नहीं, सरकार नहीं, माननीय योगी आदित्यनाथ जी की कोई गलती नहीं है, मुख्यमंत्री जी की कोई विशेष गलती नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक साल पहले आदेशित करके 800 के लिए जारी करवा दी थी, लेकिन आज तक हमारी नियुक्ति नहीं हो पाई। और उनके आदेश की तो बात छोड़िए, लिस्ट भी कैश हो गई। ये शिक्षा के अधिकारियों की, भ्रष्ट अधिकारियों की हिलावाली और कमी है। तो आप ये चाहते हैं कि आरक्षण सूची का रिव्यू फिर से दोबारा ना हो, हमारे सीधे हमारा भर्ती हो? नहीं, हमारा मांगना, मेरी मांग ये है कि हमारी 800 की जो लिस्ट क्वेश्चन हुई है, वो एक संवैधानिक लिस्ट थी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी का जिनके आदेश पर संवैधानिक रूप से रिविजिट करके, उसी 69,000 को रिविजिट करके आई थी। ये हमारे 800 की लिस्ट को फिर से बहाल कराया जाए, इसका मॉडिफिकेशन कराया जाए, और सबसे बड़ी बात की जो हमारा डबल रिजर्वेशन, जो ओवरलैपिंग हमारी रोकी जा रही है, उसकी ये इस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय डबल बेंच का आदेश उसे कवर्ड है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि अगर ओबीसी एससी के लोग जनरल के बराबर नंबर पाते हैं, जनरल की सीट पर जाएंगे, ओबीसी एससी की सीट खाली होगी, उस पर अदर ओबीसी एससी कैंडिडेट आएगा, इसको फिर से मॉडिफाई कराया जाए। माननीय विभाग, माननीय योगी आदित्यनाथ जी इस पर संज्ञान लेकर के अधिकारियों को आदेशित करें कि डबल बेंच भेजें या फिर इसी बेंच में भेज करके मॉडिफाई कराएं। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से जो यहाँ पे शिक्षक है वो लगातार वो योगी आदित्यनाथ से अपील कर रहे हैं और साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि वो डबल बेंच जाए और उस पर अपील करे और हमारे जो हक है वो हमें दे, क्योंकि हम जो अपनी स्थिति से इस टाइम गुजर रहे हैं वो आपने खुद सुना कि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कई लोग आत्महत्या कर चुके हैं, कि कहीं ना कहीं ये जो हमारा ये जो लाइफ है वो किसी से मुद्दे से जुड़ा हुआ है। और योगी आदित्यनाथ जी पहले से ही हमारे शिक्षक भर्ती के लिए आदेश दे चुके हैं, लेकिन फिर से जो आरक्षण सूची के लिए जो रिव्यू करा जा रहा है, कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से गलत है, क्योंकि इससे जो तमाम लोगों की जो जिंदगी जुड़ी हुई है, और इस पे योगी सरकार को स्टैंड लेना चाहिए, क्योंकि योगी सरकार की इसमें गलती नहीं है, उनकी अधिकारियों जो ये घपला कर रहे हैं, जो घोटाला कर रहे हैं, उस पे वो जांच करें और हमारी समस्याओं को सुने, और इस पे कहीं ना कहीं वो ये भी चाहते हैं कि योगी जी इस बात को समझे और हमारी बातें सुने और उस पे आदेश दे। तो इसमें तमाम जो शिक्षक हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, अपनी मांग कर रहे हैं, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि हम लगातार इस पर धरना प्रदर्शन करेंगे जब तक हमारे आदेश, हमारे जो साथ में ना आ जाए इस पर आदेश, तब तक हम इस फैसले को वेट करेंगे और इसके लिए हम धरना प्रदर्शन करेंगे जब तक योगी जी इस पर कुछ बयान नहीं देते, अपना फैसला नहीं देते हैं। तो आइए और भी जो शिक्षक हैं उनसे हम बात करते हैं। जो हाईकोर्ट ने आदेश दिया है आरक्षण को फिर से रिव्यू कराने के लिए, उन्होंने साफ तौर पर कहना है कि आरक्षण का में जो हुआ है बहुत ज्यादा गड़बड़ी हुआ है, उसे फिर से रिव्यू करके 50% से अधिक ना हो उसमें आरक्षण। तो आपका क्या कहना है? मैम ये बताइए, ये वैसे तो रिलैक्सेशन है, ये कोई आरक्षण है ही नहीं। अच्छा ये है कि जो नियमावली है ये बेसिक की, हम कितनी बार भी आरक्षण ले सकते हैं, लेकिन ये मनवादी अधिकारी सरकार और माननीय न्यायालय सब मनवादी लोग बैठे हैं। अब आप बताइए, जो लिस्ट माननीय योगी जी के कहने पे आई थी और जिसपे पूरे अधिकारियों के सिग्नेचर थे, आज वो लिस्ट कैसे गलत हो सकती है और कैसे कोर्ट उसको रद्द कर सकती है, जहाँ सरकारी वकील खुद खड़े होकर बोलते हैं कि हाँ हमारी गलती थी, हमारी त्रुटियों की वजह से ये बच्चे छूट गए थे, आज हम इनको करना चाहते हैं, फिर उस लिस्ट को रद्द कर दिया जाता है माननीय हाईकोर्ट सिंगल बेंच द्वारा। तो आप बताइए क्या अन्याय है? ये तो हम ओबीसी पिछड़ों के साथ अन्याय हो रहा है। तो आपको क्या लग रहा है कि योगी जी ने जो वादा किया था और जो उन्होंने हमेशा वो बोलते हैं कि हम पिछड़ों के साथ हैं और जो नहीं जाते उनके साथ है, तो क्या वो अपना ये अपने वादे से मुकर रहे हैं? बिल्कुल मुकर रहे हैं मैम, अगर या तो फिर उनके अधिकारी उनकी बात नहीं मान रहे, उनके अधिकारी उनसे ऊपर हैं, वो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मुखिया हैं, उनकी बात अगर नहीं मानी जा रही है तो या तो वो करवा रहे हैं वहाँ बैठ के सत्ता में, या तो उनके अधिकारी जो हैं वो जबरदस्ती कर रहे हैं, उनकी बात नहीं मान रहे हैं, तो हम पिछड़ों के साथ तो अन्याय ही हो रहा है हर हाल में। आपने अभी शिक्षा मंत्री आवास पे गए थे, क्या वहाँ पे हुआ, कुछ बताएंगे उसके बारे में? मैम हम लोग शिक्षा मंत्री आवास पे गए थे, माननीय मंत्री जी से मिलना चाहते थे, माननीय मंत्री जी अपने आवास पे भी थे, लेकिन हम लोगों को प्रशासन के द्वारा बरगलाया गया कि माननीय शिक्षा मंत्री जी यहाँ पे नहीं है, लेकिन हम लोगों के सामने ही शिक्षा मंत्री जी थोड़ी देर बाद पिछले गेट से निकल लेते हैं। तो अगर आरक्षण की फिर से रिव्यू करके आता है सूची लिस्ट आता है में आप लोग का नाम है, तो क्या आगे आप कदम उठा सकते हैं, क्या करना चाहेंगे? पहले तो हम ये चाहते हैं कि ये सरकार हम लोगों के लिए डबल बेंच जाए, हम लोगों की पैरवी करे, हम लोगों को न्याय दिलाए। अगर ये सरकार हम लोग
लोगों के लिए पैरवी नहीं करती है, न्याय नहीं दिलाती है। तो यही लखनऊ में माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास के सामने हम सब बहन भाई सामूहिक आत्मदाह करेंगे। जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा मैं इस सड़कों पे रहेंगे। आपको क्या लगता है, हमें पूरी तरह से योगी सरकार की इसमें गलती है, वो कम पैरवी की है, क्योंकि विपक्ष भी कह रही है कि भाजपा सरकार की कम पैरवी की वजह से ये पूरा मामला हुआ है और कहीं ना कहीं ये शिक्षकों के प्रति बहुत बड़ा ये अन्याय हो रहा है? जी मैम, इसमें लचर पैरवी की वजह से सरकार दिखावे के लिए हम पिछड़ों के साथ तो रही, लेकिन रियल में वो हमारे साथ नहीं रही। अगर वो हमारे साथ होती तो आज हमारी सूची रद्द नहीं की जाती 6800 की। तो वो हमारे साथ केवल दिखावा छलावा कर रही, हम पिछड़ों को केवल अपना वोट बैलेंस समझ रही है, हमारा हक अधिकार सब छीन रही है, अपने लोगों को दे रही है। जी, तो आपने देखा यहाँ पे जो भी शिक्षक हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि योगी आदित्यनाथ अपने पैरवी से और अपने जो उन्होंने दावा किया था उससे बिछड़ रहे हैं। और साफ तौर पर उन्होंने ये भी कहा कि योगी जी जो अपने वादे किए थे कि हम पिछड़ों के साथ हैं, लेकिन कहीं नहीं दिख रहा है, क्योंकि इसमें साफ तौर पर आरक्षण में घोटाला हुआ है और वो डबल बेंच जाएँ और इस पर कार्रवाई करें, सुनवाई करें और हमारे लिए न्याय करें, क्योंकि ये पूरी तरह से हमारे साथ अन्याय हो रहा है। और उन्होंने साफ तौर पर ये भी कहा है कि अगर हमारे साथ फैसला ये नहीं आता है तो हम योगी आदित्यनाथ जी के आवास पे जाके आत्मदाह करेंगे, क्योंकि इन्हें तमाम जो उनका ये भी कहना है कि उनके कुछ जो साथी है वो आत्महत्या कर चुके हैं, क्योंकि इनको ये जो जिंदगी है ये पूरी तरह से जुड़ी हुई है और कहीं ना कहीं उस पर न्याय मांग रही हैं। और उनका साफ तौर पर ये भी कहना है कि अभी हम शिक्षा मंत्री आवास गए थे, वहाँ पर शिक्षा मंत्री जी ने नहीं मिले और पिछले रास्ते से वो निकल गए। तो उनका कहना है कि जब तक हमारे साथ फैसला न्याय का नहीं होता है हम धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। अच्छा, आप यहाँ पे क्यों बैठे आपको पता है? हाँ। किस लिए बैठे हुआ? जब तक मेरे मम्मा को ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी तब तक यह हफ्ते कोई हिलेगा नहीं। आपको भूख प्यास नहीं लगती है? नहीं। आप योगी आदित्यनाथ जी से क्या कहना चाहती हैं? मैं जब तक किसी को ज्वाइनिंग नहीं मिलने वाली तब तक कोई यहाँ पे नहीं हिलेगा दुलेगा। अच्छा, नहीं लेगा। तो आपकी मम्मा अभी यहाँ पे है, कौन है आपकी मम्मा? अच्छा, तो आप अभी यहाँ पे कब से हैं आप? हम तो 2 साल से। बताइए। 2 साल। चलिए, आपकी जो बात है हम लोग योगी आदित्यनाथ से पहुँचाने की जरूर कोशिश करेंगे। तो आपने देखा यहाँ पे 59,000 जो सहायक शिक्षक भर्ती के जो आदेश को, जो मौजूदा लिस्ट को रद्द कर दिया गया है, उसको लेकर जो शिक्षक तमाम यहाँ पे धरना प्रदर्शन करने हैं, वह शिक्षा मंत्री आवास पे भी गए, वहाँ भी धरना प्रदर्शन किए, लेकिन कोई उस पर न्याय नहीं मिला, ना उनसे बातचीत हुआ। साफ तौर पर शिक्षक को कहना है कि जब तक योगी आदित्यनाथ से हमारे न्याय के फैसले नहीं होते हैं हम इस पर धरना प्रदर्शन करेंगे, उससे मांग करेंगे, अगर हमारे पक्ष में न्याय नहीं आता है तो हम उनकी आवाज़ पे जाके आत्मदाह करेंगे। अब ये देखना होगा कि अगर फिर योगी सरकार इस पे क्या फैसला लेते हैं और आगे क्या कदम उठाएंगे, क्योंकि जो तमाम जो शिक्षक हैं वो अपनी जो भी बातें वो रख रही हैं और वो बोल रही हैं जब तक हमारे खिलाफ न्याय नहीं मिलेगा हम इस पे धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। कैमरामैन नीरज के साथ सुहानी सिंह, प्राइम टीवी, लखनऊ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी।